यूट्यूब मध्ये अपलोड करतो आणि बट आज हमारा गोल क्या है कि अपस्टॉक्स का जो ऐप और वेबसाइट है ना ये प्रॉपरली कैसे यूज करना है ना वो सीखना, ये हमारा आज का गोल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल ना, आपको जो सीखना है उसके हिसाब से आपको क्या बोलते हैं स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर हम एक आधा एक दो क्वांटिटी क्यों ना हो बस उतना ही बाई करके हम एक्चुअली ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो जरा हम सीखेंगे। ये तो है क्या सर? श्योर ठीक है। उससे पहले एक काम करते हैं, अल्पा मैम आपको ऑर्डर प्लेसमेंट सीखना है ना? ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, आपको फोन पे सीखना है या कंप्यूटर पे? अच्छा, अटेंड करायला आला। ठीक है, ओके। सुजीत मैम आई थिंक आपका नाम अलग है शायद, मुझे याद है आपका। प्रणवा मैम, यस यस। तो आपने ऐप और वेबसाइट कैसे चलाना है वो सीख लिया क्या, या आपको सीखना है फिर से अलग से? ठीक है, तो उसका हम ट्रेनिंग लेंगे। तो परफेक्ट, तो आपने अभी जो कनेक्ट किया है वो लैपटॉप से किया है या मोबाइल फोन से? ठीक है, मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा था, आप अपने फोन से कनेक्ट करेंगे क्या ताकि आपका स्क्रीन सबको दिखाई दे? आपको सिम हाँ आपको हाँ फोन से कनेक्ट कर लो। मतलब ये मीट का कॉल? करेक्ट करेक्ट, यस। आप लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, वरना आवाज एको होता है। ठीक है, हे तुम्ही है का? ठीक है, सध्या गरज नव्हती पण कारण त्या आवाज एको होईल, तुम्ही बंद करा। मीटची गरज कोणाला असते जे घरून बघतात, हे तुम्ही बघितलं? हां, तुम्ही डिस्कनेक्टच करा आणि तुमची प्रॅक्टिस जरी करायची असली ना आपण इथून करून घेऊ किंवा मोबाईलवरनं करून घेऊ। ठीक आहे, अरे ठीक आहे मॅम, अभी आपने फोन से कनेक्ट किया है ना? हाँ, यस, फोन से कनेक्ट किया। अब आपको ना स्क्रीन शेयर करना है तो मैं क्या करना है बताता हूँ। आप अपने गूगल मीट पे ना सबसे नीचे राइट साइड में तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको, उन पे क्लिक करो और स्टार्ट स्क्रीन शेयर नाम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शेयर स्क्रीन, उस पे क्लिक किया तो फिर से स्क्रीन शेयर का बटन दिखेगा, उस पे क्लिक करिए। यस करेक्ट, परफेक्ट। अभी आपका स्क्रीन हमको दिख रहा है। हाँ, अभी आप क्या करिए, आपने अपना अपस्टॉक्स का ऐप ओपन करिए। परफेक्ट, सो ये भी हो गया। सो आपने फंड ट्रांसफर पहले से कर रखा है, तुम्हारा फंड ट्रांसफर माहिती असेल कसं करायचं। तो अब क्या करेंगे ना, अपने को कोई तो भी अभी फिलहाल रैंडम सा शेयर बाई करना, कैसे बाई करना है सेल करना है वो जरा देखते हैं। और उस सबके लिए ना सबसे ईजी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, नीचे वो जो ट्रेड्स का जो बटन दिख रहा है सेकेंड लास्ट, वहां पे आपको सब कुछ दिख जाता है। इधर पे सब है, इधर पे ही आप ऑर्डर प्लेसमेंट एंट्री एग्जिट वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान के चलो कि अभी फिलहाल मेरे पास कोई चार्ट वार्ट नहीं है, एक आधा रैंडम सा शेयर बाई कर लेंगे। मान के चलो कि मुझे SBI का शेयर इंट्राडे में लॉन्ग करना है, जस्ट कारण तुम्ही जुना ऐप वापरताय ना, तुम्ही डार्क ब्ल्यू कलरचा ऐप वापरताय, आपल्याला पर्पल वाला जे नवीन ऐप आहे ते वापरायचं।
ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं मीट ही देता हूँ। फोन वर्जन वर पण डिपेंड करतं की समजा एखादा फोनचा खूपच नवीन वर्जन आहे तर त्याला नवीन आहे, काही काही जुन्या वर्जन लागतात। हाँ असू शकतं, बट मी बघतो काय टेक्निकल रिझन आहे का। बट फिलहाल आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है ना, तो आपको दो चीजें दिख रही है। मैम आप फिर से जाएंगे उधर। हाँ उनके केस में ऑर्डर्स और पोजीशंस अलग अलग दिख रहा है ऊपर, आपके केस में नीचे ऑर्डर्स और तीन नंबर पे पोजीशन अलग दिखेगा, एवढाच डिफरेंस है। तो अब मुझे कोई भी शेयर को बाय या सेल करना है ना, वरती तुम्हारा मैग्निफाइंग ग्लास दिखता है, मैग्निफाइंग ग्लास पे क्लिक करो और इसमें फिलहाल लिख देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN लिख दो बस। तो आप नोटिस करोगे कि पहला ही नाम SBIN NACEQ आपको दिखने लग गया है और उस पर बस शेयर के नाम पे क्लिक कर दो। परफेक्ट हो गया। अच्छा ऑलरेडी घेतला म्हणून तसं दिसतंय। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं आपको कुछ और करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, शेयर को फिलहाल इंट्राडे में बाय करना है, तो बाय का बटन दबा दो। हाँ यस, बाय पे क्लिक कर दो और फिलहाल कीबोर्ड हटा दीजिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आगे। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है देखो, ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आपको कोई भी शेयर डिलीवरी में बाय करना है तो डिलीवरी का बटन दबाओ, इंट्राडे के लिए इंट्राडे। सो फिलहाल हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप इंट्राडे का बटन दबा दो। अब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, पहले तो क्वांटिटी लिखनी है। सो फिलहाल हम अज्यूम करो कि 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो 10 क्वांटिटी लिख दो अभी। अब इसमें ना आपको फिर पूछ रहा है कि कितना रुपए से बाय करना है, तो उसके लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है नीचे। मार्केट का मतलब है करंट प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस से बाय कर लो, लेकिन लिमिट का मतलब है कि आप डिसाइड करोगे कि किस प्राइस से बाय करना है। हमारा सजेशन क्या होता है कि मार्केट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट करंटली बाय करना या करंटली सेल करना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। सो फिर भी आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिमिट पे क्लिक करो। हाँ और प्राइस में लिख दो 605। लिख दिया। अब आप नीचे नोटिस करोगे कि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है 1200 रुपए, तो आप 605 रुपए से 10 शेयर ले रहे हो, यानी कि 6000 रुपए का शेयर बाय कर रहे हो। तो 5 times लेवरेज कंसिडर किया तो आपका अमाउंट यूज होगा सिर्फ 1200 रुपए, ठीक है। नाउ सो ये पार्ट हो गया, तो अभी आप रिव्यू पे क्लिक कर दो। यस करेक्ट। ठीक है अब बस सबमिट पे क्लिक कर दो। परफेक्ट। अब आपको नोटिस होगा कि ऊपर तीन नंबर पे, सो नीचे ट्रेड्स में आप पहले से ही हो, ऊपर ऑर्डर्स में आपका ये जो ऑर्डर है ना आपको ओपन दिख रहा है, तुम्हाला दोन नंबरला खाली दिसते ऑर्डर्स आणि वरती SBI असं दिसले तसे, ठीक है। अब इस ऑर्डर में आपको क्या क्या दिख रहा है, आपने SBI का NSE एक्सचेंज पर इंट्राडे में 10 क्वांटिटी बाय करने का जो ऑर्डर है 605 पे ओपन है, क्योंकि शेयर का भाव अभी तक पहुंचा नहीं 605 पे।
जिस मिनट पे आपका शेयर का भाव 605 पे आ जाएगा वो बाय हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप ऑब्जर्व करोगे कि इस ऑर्डर के सेंटर में कहीं पे भी क्लिक कर दो तो आपको ना ऑर्डर के डिटेल्स खुलते हैं और उसमें भी सेम डिटेल्स ही दिखते हैं। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करोगे ना तो वही इस चीजें सेम डिटेल में दिखाई देगी, कितने बजे प्राइस वाला ये सब भी दिखता है। करेक्ट, आता तुम्हारा पोजिशन का कारण तुम्हें तो बाई केला है। अब आपको दिखेगा कि सिंस ये ऑर्डर पेंडिंग है आपको नीचे मॉडिफाई और कैंसिल का बटन दिखेगा, लेकिन अगर ऑर्डर कैंसिल, रिजेक्ट या कंप्लीट हो चुका है तो मॉडिफाई का बटन नहीं दिखता है, क्योंकि एक बार जो ऑर्डर हो चुका है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल क्या करेंगे मैम, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके करंट प्राइस से ही बाय कर लेंगे। सो ऊपर आपको प्राइस दिख रहा है 607 ऊपर टॉप में, यस। सो इसका मतलब है कि आपका प्राइस 607 से बाय हो जाएगा अगर आपने ऑन द स्पॉट बाय कर लिया तो। कर दो रिव्यू पे क्लिक और कर दो सबमिट। यस करेक्ट, अब आपका शेयर हो चुका है बाय, राइट। नाउ अब आपका ये ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपने एक्सचेंज को बोला मेरे लिए ये शेयर बाय कर लो और वो बाय हो चुका है। अब आपको फिर पता करना होगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर पोजिशंस में। सो तुमचा जो पोजिशन है ते खाली पोर्टफोलियो है, नहीं बाय किया अजून एकदा बाय किया, खाली पोर्टफोलियो जैसे 3 नंबर ला सूटकेस चा आइकॉन है। अब उसमें ऊपर पोजिशंस और होल्डिंग दो अलग अलग दिखाएंगे, दिख रहा है। पोजिशंस का मतलब क्या है, आज आपने जो कुछ भी एक्टिविटी की है उसका प्रॉफिट एंड लॉस। होल्डिंग मतलब है आपने डिलीवरी में जो कुछ भी बाय करके रखा है उसका। तो अभी मैम के लिए होल्डिंग ऊपर दिख रहा है, देखो ऊपर। मैम आप होल्डिंग पे एक बार क्लिक करिए। सो अगर उन्होंने डिलीवरी में कुछ बाय किया तो वहां पे दिखाई देने लग जाएगा। पोजिशंस इज ओनली फॉर टुडे, फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज बाय किया या आज सेल किया, बट वो सब आज का दिन सर पोजिशन में दिखाई देगा, कल से वो होल्डिंग में दिखाई देगा। ठीक है, सो फिलहाल आपने क्या किया है देखते हैं। 607 रुपए पे SBI के 10 क्वांटिटी बाई किए हैं जो अभी चल रहे हैं 606.95, जिसकी वजह से आपको फिलहाल 1 रुपए का नुकसान चल रहा है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं आपकी करंट पोजीशन या पोजीशन। ठीक है, अब इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे आपका शेयर का प्राइस चेंज हो जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट दिखेगा, नीचे गया तो लॉस दिखेगा। बट अब आप क्वेश्चन आता है कि फिर इस शेयर को खरीद तो लिया है, अब इसमें से निकले कैसे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो ना नीचे शेयर का नाम ढूंढ के उसको फिर से मैन्युअली सेल कर सकते हो, या फिर आप क्या यही से उसको सेल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इजी वाला ऑप्शन बताता हूँ आपको, बैक आओ जरा। तो अगर आप SBI के पोजिशन के सेंटर में कहीं पर भी क्लिक करोगे ना, सो आपको पोजीशन के डिटेल्स दिखाई देंगे। आपने इंट्राडे में 10 क्वांटिटी बाय किया, 607 से प्रॉफिट दिख रहा है इतना इतना, ये सब डिटेल आपको दिखाई देंगे। और अगर आपको उस पोजीशन में से बाहर निकलना है तो वो भी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। सो अगर आपको राइट नाउ सेल करना है ना तो सामने एग्जिट का बटन आपको रेडीमेड दिखाई देगा। नहीं बताता हूँ। सो देखो, जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट में से कुछ बेचना नहीं पड़ता है। तो जब आप डीमैट अकाउंट से कुछ बेच रहे हो तब आपको टीपिन का जरूरत पड़ता है। यस करेक्ट, बट एग्जिट सीधा सीधा नहीं होगा, पहले तो आपका सेल का ऑर्डर खुलेगा। एग्जिट के बटन पे क्लिक करो, अब सेल का ऑर्डर खुलेगा और अब इसमें फिर से पूछेंगे, देखो क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है आपको लिखना है तो लिखो, ये सब चीजें आपको मैन्युअली लिखनी पड़ेगी फिर वैसे। ओके, पर ऑलरेडी है इतना क्वांटिटी है तो करेक्ट, वो अपने आप आएगा। माय क्वांटिटी करना है तो आई हैव टू चेंज, राइट? यस, यू कैन चेंज इट, राइट? कर दिया, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
इसमें भी आप अपना प्राइस लिख सकते हो. सपोज इफ यू वांट टू सेल इट एट 610, यू कैन सिलेक्ट लिमिट एंड प्राइस में लिख दो 610. अब ये कर दो सबमिट. सो आप नोटिस करो लिमिट है, इसका मतलब आप टारगेट लगा रहे हो. कर दो सबमिट. सो ये जो आपने अभी किया इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्लेस करना. और ऑर्डर कहाँ पे दिखता है, ऑर्डर बुक में. सो जाइए ऑर्डर बुक में ऊपर और आपके ऑर्डर के आगे क्या लिखा है देखा, ओपन. सो ना ना ऑर्डर्स ऊपर देखो ना, आपने अभी ऑर्डर सेंड किया ना एक्सचेंज को. यू आस्क द एक्सचेंज टू सेल द शेयर एट 610, बट आपका शेयर अभी तक आया ही नहीं 610 पे. एग्जैक्टली. तो जब वो शेयर आ जाएगा 610 पे तब अपने आप सेल हो जाएगा. ऑलराइट नाउ. सो नाउ यू कैन अगेन मॉडिफाई दिस एज वेल. ठीक है. सो सपोज इफ यू वांट टू लाइक सेल इट, तो आप ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई कर दो. Market. You can do market also. Market help that. Yes. कर दो सबमिट. Yes. एक शेयर समझा आएगा. हाँ. और सवा दिन मस्त आस्टॉक पे एकदम. यस करेक्ट करेक्ट. अब यस वो भी मुद्दा मैं बताने वाला हूँ. तो देखो मैम, अब आप अपना पोजीशन पे फिर से आओ. बैक आओ. बैक आओ सिर्फ एक और फिर से बैक आओ. अब पोजीशंस में आओ. अब आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक क्वांटिटी बचा है. सो आप नोटिस क्या कर रहे हो कि आपने 10 बाई किए थे, 9 सेल किए, अब उसमें से सिर्फ एक ही बचा है आपके पास. सो एक क्वांटिटी के आपको अभी भी सेल करना रह गया है. ठीक है. सो आप बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक क्वांटिटी अलग से सेल करना पड़ेगा. बट एक और पॉइंट, अगर आपने अपना क्वांटिटी खुद से नहीं सेल किया तो ब्रोकर आपके शेयर 3 बजे बेच देता है करंट प्राइस पे. जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आपका शेयर बेच देता है. ठीक है. हाँ बट अब उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि अगर आपने ब्रोकर को सेल करवाया आपका शेयर, तो ब्रोकर क्या करेगा, इसके लिए आपको 50 रुपीज का पेनल्टी लगाएगा. Okay. तो इसलिए हमारा क्या सजेशन है कि ब्रोकर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट रहो मत रहो शेयर बेचने के लिए. खुद ही बेचो. 3 बजे से पहले आपको खुद ही बेचना ही है उसको कंपलसरी. अंडरस्टूड. ऑल राइट. तो ये एक क्वांटिटी भी सेल कर दीजिए अभी आप. अब देखिए अपना पोजीशन. यस परफेक्ट. सो अब आपके पास 0 क्वांटिटी है. सो अब आप उस पोजीशन पे एक बार जरा क्लिक करो, पोजीशन के सेंटर में. लेट्स सी. आप हिस्ट्री पे जाओ ऊपर. सो नीचे आओ. आपने क्या किया, सबसे पहले शेयर को बाय किया था 607.05 से. आपने शेयर को सेल किया टोटल 607.35 और 90 के एवरेज से. सो अप्रोक्सीमेटली आपको अभी फिलहाल 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा. ठीक है.
सो आपको टाइम भी दिखता है सब बेसिक बेसिक डिटेल। अगर आप समरी में जाओगे तो बाइंग एवरेज और सेलिंग एवरेज भी दिख जाएगा। समरी पे आइए। सो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है 3.5 का इस पूरे ट्रेड में। होल्ड करते तो और मिलता बट फिलहाल ऑर्डर ही मुद्दा है। करेक्ट। सो पोजिशंस में क्या होता है, आज का सबका प्रॉफिट लॉस सब दिखता है। सो ये आपको इंट्राडे के ऑर्डर प्लेस करने को जम गया। तो आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे के ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं वो समझा क्या? ऑल राइट, बैक आ जाइए अभी। सो लेट्स बाय समथिंग फॉर डिलीवरी अभी। डिलीवरी को बाय कर लेंगे बट उसको जरा बताता हूँ एक अलग ही चीज़। आई थिंक आपको एक क्लास में पहले ही बता चुका है। समझो डिलीवरी में मैंने SBI आज बाय किया और उसको आज ही सेल किया तो वो इंट्राडे माना जाएगा। लेकिन आज बाय करता हूँ डिलीवरी में तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में आने को टोटल 3 डेज लगता है ना, 3 वर्किंग डेज लगता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने आज बाय करके आज सेल कर दिया तो वो डिलीवरी ही समझा जाएगा। बट एक बार शेयर डीमैट अकाउंट में आ गया और फिर बाद में उसको आपने सेल किया ना, तो एक और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं DIS चार्ज, जो होता है 20 रुपये प्रति शेयर प्रति नेम। तो अगर आप SBI का एक शेयर बेचोगे या 50 शेयर बेचोगे 20 रुपीज़ का ही DIS चार्ज लगता है। बट वो आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस में से नहीं कटता है, वो अलग से आपके लेजर से 2 दिन बाद काटा जाता है, तो वो इसमें नहीं दिखेगा। तो करेक्ट करेक्ट, नॉट पर शेयर, नॉट पर शेयर पर नेम ऐसा बोलते हैं, पर स्क्रिप्ट ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। सो इफ इन डिलीवरी यू सेल 1 शेयर और 50 शेयर्स, ब्रोकरेज तो डिपेंड करेगा बट 20 रुपीज का एक DIS चार्ज होता है जो आपके डीमैट अकाउंट में से अलग, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से काटा जाता है क्योंकि आपने डीमैट में से शेयर बाहर निकाला इसीलिए। और ये जो चार्ज है ना, ये ब्रोकर नहीं लेते हैं, ये डीमैट अकाउंट वाले CDSL वाले लेते हैं। नाउ एनीवेज, सो अभी एक काम करेंगे, आपने ट्रेड कर तो लिया, समझो आप ऐसे कंसिस्टेंट बेसिस पे बाय सेल कर रहे हो, तो आपको ना अभी पूछना है कि अगर आपको भी क्वेश्चन आएगा कि मैंने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना पैसा ऐड किया, कितना पैसा विड्रॉ किया, तो उसके लिए ना आपको क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और लेजर स्टेटमेंट की ज़रूरत है। 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लेजर स्टेटमेंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस, और वो सब मिलता है नीचे बॉटम अकाउंट्स में, अकाउंट्स नीचे बॉटम में आ गया। अब नीचे से सेकेंड लास्ट माय अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अब उसमें भी 2 नंबर पे रिपोर्ट्स नाम का बटन दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला आता हूँ बट उसमें एक और पॉइंट बताना रह गया। सबसे पहला, जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट सितंबर 30 के पहले ओपन किया है उनको POA साइन करना कंपलसरी है, उनको TPIN का प्रोसेस कंपलसरी रहेगा। जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट सितंबर 30 के बाद ओपन किया है उनको TPIN का ज़रूरत नहीं है अभी। सो वो एक ईजी काम है। नाउ सो सबसे पहले देखते हैं लेजर रिपोर्ट। लेजर का मतलब है पैसे का हिसाब। सो लाइक बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो ना, वैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट का स्टेटमेंट लेजर पे दिखता है। सो मैम लेजर पे क्लिक करो। सो इसमें आप देखोगे ना, आपको ईयर टाइम वैसे गिनने का ऑप्शन दिखता है। अगर आप एरो पे क्लिक करोगे ना, एरो पे क्लिक करिए, सो आपको देखो फ्रॉम डेट टू डेट ऐसा सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबमिट का भी बटन दिखेगा, गेट रिपोर्ट का बटन दबाओ। आपने 5000 आज ही ऐड किया है क्या? यस, आज सुबह ऐड किया मैंने, इसके लिए वो मैसेज था आपका। अंडरस्टूड। सो देखिए क्या होता है कि जब आप लेजर का जो हिसाब है ना वो वड्डी अगले दिन अपडेट होता है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि आज आपने 5000 रुपीज़ अपडेट किया, क्रेडिट हो गया, इसलिए अब आपका अकाउंट बैलेंस 5000 हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे लेजर में दिखाई देगा कि आपने क्या क्या ट्रेड या कितना कितना रुपया ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, लेजर में दिखता है, ठीक है।
आज जो आपने 5000 ऐड किया है ना, वो आपको कल दिखाई देगा क्रेडिट ओनली में, क्रेडिट में दिखाई देगा। यस करेक्ट। नाउ ये तो हो गया, अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो चेक करना। सो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेकंड, विच इज P&L रिपोर्ट। जब आप टैक्स फाइल करने को जाते हो तो ये वाला रिपोर्ट मांगते हैं। सो इसमें दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस मतलब ये वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, बाय करके सेल कर चुके हो और उसमें आपको प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस मतलब ये वो होता है जो आपने ऑलरेडी बुक कर चुका है या फिर आपको अभी तक बुक करना बाकी है। यस अंडरस्टूड। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने अभी तक बुक नहीं किया है। मतलब समझो SBI का शेयर मैं खरीद चुका हूँ बट अभी तक उसको बेचना बाकी है। That profit and loss is still yet to be realized, na? So that is called unrealized profit and loss. Now, तो ये part हो गया। And realized profit and loss मतलब buy करके sell कर चुका हूँ। Now that profit and loss cannot change, that is why it's called realized. So इसमें भी नीचे submit का button होगा और time duration गिनने का option होता है। गेट रिपोर्ट करेक्ट। सो आपने कोई ट्रेड किया ही नहीं है, आज का जो ट्रेड है वो आपको कल दिखाई देगा यहाँ पे। सो वहाँ पे ब्रोकरेज टैक्सेस सब कटने के बाद यहाँ पर आता है, ठीक है। सो दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, बैक आ जाइए वापस। हाँ ये दो आपके बहुत काम के स्टेटमेंट्स है। सो ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए, ठीक है। सो ये भी पार्ट हो गया, बिल रिपोर्ट वगैरह वगैरह। सो आप अभी बैक आ जाइए। परफेक्ट। सो एक बार फंड्स पे क्लिक कर देंगे जरा, जो जो 5000 नहीं जो 5000 लिखा है ना उस पर बस क्लिक कर दो। सो इसको रिफ्रेश करके देखो जरा, नीचे पुल करो, रिफ्रेश हो रहा है क्या? नहीं, बैक आके रिफ्रेश करो, नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली क्या होता है, अभी आपको 5000 में प्रॉफिट हुआ है ना, तो 5000 प्लस 3.5 इसमें ऑन द स्पॉट ऐड हो जाता है, बट अभी तक क्यों नहीं हुआ वो जरा देखना पड़ेगा। नीचे ट्रेड्स पे आइए जरा, इसमें सिर्फ P&L टुडे ही दिख रहा है 3.55 का, उस पर एक बार क्लिक करके देखिए P&L टुडे पे, बस इतना ही दिख रहा है। नहीं, जनरली क्या होता है कि वो जो 5000 में ना ये 3 रुपये पहले ऐड हो जाना चाहिए, फिर आप वो सब दिखता है, बट जनरली उन्होंने दिखाना बंद कर दिया, ठीक है। एनीवेज, बट आपको एक आइडिया आया कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं? एक्चुअली ज्यादा नहीं कर रही थी मैं, इसलिए थोड़ा सा आइडिया था पहले से, अभी ये ऐप यूज करने का थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, ये ऐप भी काफी यूजर फ्रेंडली है, तो आप इसको भी यूज करो। ये वाला जो सेशन है ना, हमने सिर्फ इंट्राडे के लिए रखा था, हम अगले हफ्ते ना ऑप्शंस के लिए एक सेशन रखने वाले हैं। बट दिक्कत है कि आपके क्लास में ऑप्शन हुआ नहीं, तो समझा तो भी कोई समझेगा नहीं, बट फिर भी ट्राई करो, समझो ऊपर ऊपर से। दोगा नंबर आत्ता ऑप्शन नाही सांगणार, कारण आम्हाला आधी सांगावं लागतं की नाही आता लॅपटॉपवर नाही। तुम्हाला शिकायचं आहे का सेपरेटली? हां मग चालेल, तुम्ही लॉग इन करा, आहे आपल्याकडे वेळ भरपूर। सो लॅपटॉप वरून स्क्रीन शेअर करून डबल करण्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्टली इथेच करा, म्हणजे तुमचा वेळ वाचेल। इथे लॉग इन करा, या ना बसायला चेअर वर।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। परफेक्ट, आप अपना लॉग इन कर दीजिए और याद से लॉग आउट भी कर दीजिए। मैम आप अपना लॉग आउट कर सकते हो, एक सेकेंड दो बस। हाँ एक सेकेंड है सर, एक मिनट। हाँ आपको मैम हमारा स्क्रीन दिख रहा है क्या? परफेक्ट, नो थैंक्स फॉर क्लिक करा। सो स्क्रीन थोडी मोठी झाली आहे, बट तुम्हाला थोडस स्क्रोलिंग करावं लागेल। बट हा असा आहे, इथे वॉच लिस्ट आहे, ठीक है। ये रहे ऑर्डर, पोजिशन और होल्डिंग। फंड्स में रुपए दिखते हैं और ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ट्रेड पे क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, फंड्स पे क्लिक करोगे तो ये सब गायब होके सिर्फ फंड्स दिखेगा। सो फंड्स पे जाइए, आपके पास अवेलेबल टू ट्रेड अभी 363 है। सो मैं आपको इसका हिसाब देता हूँ, जब आप सुबह आए थे ट्रेड करने आपके पास 1000 रुपए थे, अभी आपके पास SBI का कोई तो भी पोजीशन ओपन है जिसकी वजह से आपने 636 यूज किया है उस ट्रेड में, और फिर आपने 363 बचा है एक और ट्रेड लेने के लिए, वो आप अलग ट्रेड में यूज कर सकते हो चाहिए तो। याद है, समझा? फिर से ट्रेड्स पे जाइए, ये पार्ट है आपका, SBI का पोजीशन अभी ओपन है इसलिए। तो ये स्क्रोल करके लेफ्ट में आओ। सो आता तुम्हाला काय फ्रेश शेयर घ्यायचा आहे का? हे जे परत दाखवतो मला की स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन उसके लिए ऑप्शन रहता है, और उसके लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट में आना पड़ता है। आमचा कंप्यूटर थोडासा नीट कॉन्फिगर नाही म्हणून हे जरा बारीक दिसत आहे। सो फिलहाल मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये बेटर है, यहां से छोटा करते हैं। अभी यहां पे आओगे ना, ये स्विच टू ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है क्या? वो प्रेफर करो हमेशा, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट्स बेस्ट है। बगाए कितने छान दिखते हैं। बैंक निफ्टी लिखा का फक्त देते नुसत बैंक निफ्टी लिखा इथे कीबोर्ड में NKNIF काफी है। इंडाइसेस पे आया, ऐड किया, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्लैट हो चुका है। एनीवेज स्प्लिट स्क्रीन चाहिए, ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करो, तुमच्या माउस ने क्लिक करा। सो असं आडवं करायचं असेल तर 2 नंबरला पहिलं आहे आणि तिथे दुसरं पण आहे। सो तुम्ही पहिलं वाला प्रिफर करा आता। ये वाले पे ब्लू कलर का ये दिख रहा है, सो बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो वो ब्लू हो गया, बट अब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया, तो SBI पे क्लिक किया तो उधर SBI आ जाएगा। इजी है, तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो, चार पण आणू शकते ते सोपा। तिथे ते बटन आहे, आता हा 25 रुपये लॉस ने आता 3 वाजता बंद होईल। येस करेक्ट, 15 मिनिट पडायला लागल। त्यासाठी आता कुठे करू? उस पोजिशन के सेंटर में कहीं पर भी क्लिक कर दो, राइट साइडला पोजिशन डिटेल्स उघडल्या। पहले एक बार कन्फर्म कर लेते हैं कि आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग है कि नहीं। सो उसके लिए एक छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ पे, उधर पे जाओ, ऑर्डर्स पे क्लिक करो। सो ओपन ऑर्डर एक भी नहीं है, सो मतलब पेंडिंग ऑर्डर का हीच नहीं है, सो रिजेक्शन नहीं आएगा जनरली। तो अब क्या करेंगे, इस SBI को अभी एग्जिट, सो ऑर्डर नहीं है पेंडिंग, सो मैं आता फिर बिंदास एग्जिट करू शकतो। एग्जिट वरती जावा,
आपले आप स्क्वेअर ऑफचा ऑर्डर उघडला, काय काय दिसतंय, पाच क्वांटिटी सेल के मार्केट रेट से इंट्राडे में बैठे, तो चारों इन्फॉर्मेशन दिखा, इंट्राडे भी लिखा हुआ है, पांच क्वांटिटी भी लिखा हुआ है, मार्केट भी है। अब बस 608 लाच करायचे, काय करू? तर मग दोन प्रकारचे ऑर्डर असतात, मार्केट लिमिट। सो मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट, बट लिमिट मतलब मेरी मर्जी। सो मार्केट पे क्लिक करो, क्लिक करो, लिमिट घ्या, फक्त लिमिट, साधा लिमिट, दॅट इज स्टॉप लॉस लिमिट, साधं लिमिट। परत एस एल लिमिटवरती क्लिक करा, सिर्फ लिमिट पे लो, ये है टारगेट। अब नीचे प्राइस लिखने को जगह आ गया, उसमें प्राइस लिख दो, लिखा, आता करा सबमिट। 608 चालू पण आहे, तुमचा विकला पण जाईल लगेचच्या लगेच। एक्सपेरिमेंट साठी 609 करा, 609 जात नाही, चालेल करू, सध्या करू, आपण त्याला मॉडिफाय करू ना नंतर। सो कर दो सबमिट, कर दो प्लेस। ये ऑर्डर अभी पेंडिंग रह गया क्योंकि शेयर 608 है और आपने ऑर्डर 609 का डाला। सो तुम्ही 608 टाकला असता तर ऑब्व्हियसली समोरच विकला गेला असता, आता त्याला मॉडिफाय करून परत 608 करा। प्राइस आहे बघा वरती, खोडा आणि 608 करा, आता सबमिट करा, दोनदा बटन दाबा, येस, हो गया मॉडिफाय। अब 10 सेकंड के लिए वेट करो और उधर पे देखो, 607.90 चल रहा है, आपका ऑर्डर 608 का है, 15 पैशासाठी राहिले। सो क्या करो, SBI पे आओ यहाँ पर और ये आई पे क्लिक करो, आप 607.80 है और आपका ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, आपका ऑर्डर टॉप 5 में आया ही नहीं अभी तक, आप सेलर हो ना 608 पे, सो आपका ऑर्डर चौथे नंबर पे, देखो यस कर। अब डिपेंड करेगा कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं 608 पे बाय करने के लिए, आपको 10-15 सेकंड वेट करना पड़ेगा। आले पण होते ह्या लोकांनी सेलिंग साठी ठेवलंय ज्या प्राइस मध्ये, लेफ्ट वाले, हा लेफ्ट वाले लोकांनी बाय साठी ठेवलंय। लांबच चाललंय 608 पासून। येतोय का नाही? हॅलो, ऑनलाईन में दिख रहा है हमने क्या किया? सो हम सिर्फ वेट कर रहे, अरे यार और नीचे गिरता जा रहा है। आई थिंक हो जाएगा, एक दो सेकेंड, एक दो मिनट रुकना पड़ेगा।
SBI के केस में 5-5 पैसे के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो 5 पैसे का ही क्वांटिटी खाने के लिए लाख लाख लोग बैठे हैं। देखो ना, फक्त 5-5 पैशाच्या गॅप ने हजार हजार क्वांटिटी वेट करतात। तो SBI का मूवमेंट हल्का सा स्लो है। सो यस मैम। DIS चार्ज? ओके हाँ, नो, दैट इज ओनली फॉर डिलीवरी ट्रेडिंग। नहीं नहीं देखो, मैं DIS चार्ज का एग्जैक्ट मतलब बताता हूँ। जब आप शेयर को डिलीवरी में बाई करते हो तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, करेक्ट? डीमैट अकाउंट में मध्य में आने को कितना टाइम लगेगा? 2 दिन लगता है, T+2। हाँ, तो अब आज खरीद के कल बेचोगे तो शेयर डीमैट अकाउंट में आया क्या आपने? नहीं आया। तो तब बेचोगे तो 20 रुपया पर स्क्रिप्ट नहीं लगेगा। बट अगर 3 दिन के बाद चेक करोगे तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका है। तो अब तुम उस शेयर को बेचोगे तो शेयर CDSL से बाहर निकल जाएगा ना। तो CDSL क्या बोलेगा? मुझे एक नाम के पीछे 20 रुपये चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा डेटा चेंज किया। सो डेटा मॉडिफाई करने के वो 20 रुपये लेते हैं। डेली नस्तर? नहीं 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 ते फक्त ते हाँ बोला, 20 रुपये पर नेमच असणार। मग तुम्ही 1 लाख शेअर विका किंवा 10 शेअर विका, नाही क्योंकि क्या होता है, डेटा मॉडिफाई करने के लिए क्या एक ही बार बटन दबाना है, 10-10 बार तो जरूरत नहीं है। हाँ, टिप इन का क्या म्हणता है मैम? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया, सेबी ने नवीन रूल आणला आहे, ज्यामध्ये एक नवीन प्रकारचा अकाउंट ओपन झालाय, जे ज्यांना कुसा अकाउंट म्हणतात, ते आपल्या कामाचं नाही आहे। बट इन ॲक्च्युली काय झालंय की ज्यांनी पण डीमॅट अकाउंट सप्टेंबरच्या महिन्यानंतर उघडलाय ना, त्यांचे डायरेक्टली न्यू टाईप ऑफ डीमॅट अकाउंट ओपन होत आहेत। सो त्यांना काय म्हणतात, टिपिनची आता गरजच नाही पडत। बट ज्यांनी ह्याच्या आधी अकाउंट ओपन केले होते ना, त्यांचे जुन्या टाईपचे डीमॅट अकाउंट आहेत, तर त्यांना टिपिनची गरज पडणारच आहे। बट मोस्ट प्रॉबेबली 3 ते 6 महिन्यामध्ये असे नवीन रूल्स येतील ज्याच्यामुळे त्यांना पण टिपिनची गरज बंद होऊन जाईल। मार्केटमध्ये एवढे टोटल शेअर आहेत? नाही, त्याचा अर्थ नाही काय, सध्या फक्त तेवढ्या शेअरचे बायर आणि सेलर्स उभे आहेत, याचा अर्थ आहे। ॲक्च्युली मी SBI के 600-700 करोड शेअर्स आहे, उसमें से सिर्फ मुश्किल से 12 लाख आपको सामने दिख रहे हैं, 20 लाख सामने दिख रहे हैं, और उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप हे ऍक्टिव सेलर आहेत, हे जे 17 लाख के दिखते 6 लाख, 17 लाख क्वांटिटीचे सेलर्स आहेत। अच्छा, हाँ, अब वो 17 लाख शेयर 10 लोग के भी हो सकते हैं या 5 लाख के लोग के भी हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। जेव्हा बाईंग मुवमेंट जास्ती असते तेव्हा ग्रीन जास्ती असते या शेअरला? नाही, त्याला तुम्ही नको, हे लोकांना जनरली मिसलीड करतं, त्याचा वापर करू नका। त्याचा रिझन सांगतो, तुम्ही ना एखादा ऑर्डर ओपन करताल ना, सो इथे खाली एक गोष्ट दिसते ज्याला डिस्क्लोज क्वांटिटी मिळतात, गेला तुमचा माल। आता इथे ओपन होतं, आता काय दिसतंय, कंप्लीट, क्योंकि 608 को बिक गया आपका शेअर, क्योंकि अभी शेयर 620 पे चल रहा है। ओके, बिक गया माल। सो आपको पोजीशन देखनी है, पोजीशन देखो, कहाँ दिखे कितना चल रहा है। अकाउंट्स में नो, ऑर्डर्स में जाओ, यहाँ पे इस एरो पे आओ, पोजीशंस पे आओ, जीरो क्वांटिटी है, पोजीशन जा सेंटरला क्लिक करा, 5 bought at 612.95, 5 sold at 608, सो जीरो। अब आप फंड्स पे जाओ, 1000 रुपये लेकर आए थे, 25 रुपया गया,
975 बचा। अब इसमें से भी ब्रोकरेज टैक्सेस 2 या 3 रुपए कुछ तो कटेगा और आपके अकाउंट में कल 973 या 972 के आसपास कुछ तो बचेगा। हफ्ता फक्त ब्रोकरेज कट नहीं गेले उद्या। आणि आयडियली ब्रोकरेज किती जाईल माहिती आहे का तुमचं? 3000 बाय म्हणजे 3000 × 0.05 विच इज 1.5 रुपये बायचं, 1.5 रुपये सेलचा, टॅक्सेसचे 3-4 रुपये, बस 5-6 रुपये मॅक्स मॅक्स। अब वापस से ट्रेड पे आओ और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बताता हूँ। SBI के आई पे क्लिक कर दो बस, इधर थे हम। हाँ, तो तुमचा क्वेश्चन काय होता कि ग्रीन जास्ती दिसते आणि ते रेड कमी आहे, नाही म्हणजे बाइंग मूवमेंट जास्ती मिसलीडिंग आहे, त्याचा रिझन सांगतो। बाय पे क्लिक करोगे तो डिस्क्लोज क्वांटिटी दिख रहा है। अब आप मान लो ना, आप असली में ले रहे हो 10,000 क्वांटिटी, बट लोगों को आप दिखा सकते हो कि मैं 1,000 ही बाय कर रहा हूँ डिस्क्लोज क्वांटिटी के थ्रू। तो आप एक्सचेंज को बोलते हो मुझे 1,000 लेना है, बट दुनिया को दिखता है सिर्फ 1,000। तो यहाँ पे 2,000 दिख रहा है ना, रियलिटी में हो सकता है वहां पे 20,000 क्वांटिटी बाय का ऑर्डर है। सो ते मिसलीडिंग असतं म्हणून। सो लोक जे लोक मोठे मोठे क्वांटिटी बाय सेल करतात ना, ते लोक बाय वेगळी करतात आणि दाखवतात वेगळी। ही जी क्वांटिटी आहे ती रिअल क्वांटिटी नाही आहे। वन सेकंड, हे जे सध्या दिसतंय ना, पहिलं प्रेफरन्स ब्रोकरला दिलं जातं। सो अपस्टॉक्स क्या करता है, वो अपने अपने लोगों में बाय सेल करवाता है। सो एक्चुअली में मार्केट में 17 लाख लोग नहीं है, एक्सचेंज लेवल पे 20 करोड़ लोग हो सकते हैं, 20 करोड़ क्वांटिटी हो सकती है। बट अपस्टॉक्स क्या कर रहा है, अपने SBI के बायर को अपने SBI के सेलर को दिखा रहा है, अपस्टॉक्स के अपस्टॉक्स में ही, क्योंकि पैसा इधर के उधर ट्रांसफर कर, पहली प्रायोरिटी। बट ज्या शेअर्स मध्ये तेवढे बायर सेलर नसतात ना, मग ते एक्सचेंज लेवलची इन्फॉर्मेशन पण दाखवू शकतो, म्हणून ते मिसलीड करतं नवीन लोकांना। सो ते नको वापरत जाव। एक्झॅक्टली, ह्या लोक ह्या प्रकारच्या अनालिसिसला काय काय लोक ऑर्डर फ्लो अनालिसिस म्हणतात, बट रियालिटीमध्ये त्याचं काय, ते 10 सेकंदात चेंज होऊ शकतो। आता इथे 6 आणि 17 दिसतात ना, फक्त 5 मिनिटात थांबा, तिथे 17 आणि तिथे 6 होतील, पॉसिबल आहे। जर तुम्हाला कन्फर्मेशन पाहिजेच ना, वॉल्यूम को यूज करो। ये दिख रहा है वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, तो जब गिरेगा ना, कम वॉल्यूम के साथ गिरेगा, तो अगली बार जब बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम के साथ बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने वाले कम, ऐसे बोला। हाँ, यस, कारण तिथे का तुम्हें संगता है, ये बता रहा क्या है, वॉल्यूम बढ़ा था मतलब जो भाव बढ़ा बढ़ा के जो लेग ले रहे ना, वो ज्यादा लोग थे। सो 100 रुपए पे समझो 10 लोगों ने ट्रेड, 10 लोगों ने बाय सेल किया रहेगा, 101 पे समझो 50 लोगों ने बाय सेल किया, इसलिए कैंडल बड़ा हो गया। 103 लोगों पे 100 लोगों ने बाय सेल किया एक दूसरे के साथ, तो नीचे का भी वॉल्यूम का कैंडल और भाव का भी कैंडल बढ़ गया। तो मुद्दा क्या है कि भाव बढ़ा बढ़ा के ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, सो बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, असं तुम्ही त्या वेळेला अनालाइज करायचं। यस, करा लोगो। ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? ठीक है, तो ये तो भी अपना शेयर वाला सेशन था। अगले हफ्ते ना हम ना ऑप्शन का एक सेशन रखने का कोशिश करेंगे, और वो ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे का हो जाए, सो दैट आपको ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि ऑप्शन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उससे पहले ऑप्शन का थोड़ा सा रिविजन करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है, कॉल और पुट से स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। सो वो ट्राई करेंगे अगले हफ्ते, ठीक है, चलेगा। फिलहाल के लिए आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।